अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देख रही हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद दुआ भरा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर किस तरह की चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आपकी फरमाइश के मुताबिक लेकर आती रहूँ। ये देखें इस शूज़ का डिज़ाइन कितना कोई प्यारा लग रहा है व्यूवर्स। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने के बाद दुआ भरा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा आपको ये डिज़ाइनिंग आइडियाज़ कैसी लगती हैं जो मैं आप लोगों के लेकर आती हूँ व्यूवर्स। मैं आप लोगों के लिए वो डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी आपके पसंद के मुताबिक। अगर कमेंट रखिए मैं आप अपनी पसंद बताएँगी कि आपकी पसंद किस तरह की है, किस टाइप की है व्यूवर्स। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, जो आपके हक में भी बेहतर हो, जो हमारे हक में बेहतर हो। तमाम दुआएं कबूल व मंजूर फरमाएं, दुआएं करते रहा करें, जाने किसकी ज़बान से किसकी दुआ कबूल व मंजूर हो जाए। देखिए व्यूअर्स, ये वाला डिज़ाइन कितना कोई प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है ये डिज़ाइन। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने के बाद दुआ भरा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स। मैंने आपको कार्टून कैरेक्टर के शूज़ भी दिखाई देंगे और सिंपल शूज़ भी दिखाई देंगे। अब वो तमाम डिज़ाइन को देखें। ये देखें व्यूअर्स, ये वाला ड्रेस कितना कोई ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं क्रोशी शूज़ के डिज़ाइन। ये आपको आपके ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप अपने ड्रेस के साथ ज़रूर ज़रूर बनाइएगा इन्हें, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि वो क्रोची शूज़ पहने, उनको ज़्यादा ठंड भी ना लगे इन क्रोची शूज़ में, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स चाहते हैं उनका जो पाँव है फुट होता है वो गर्म रहे हमेशा। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर ज़रूर देखें। इस डिज़ाइन को देखें कितना कोई प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। अल्लाह हाफिज़।